भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी इस खबर में देखिए ध्यान से। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज की बड़ी मुख्य ताजा अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं में बनाए गए पेपर को लेकर। जी हाँ, इस बार 10वीं बारी का बोर्ड परीक्षा का जिस हिसाब से पेपर बनाया गया है, उस हिसाब से विद्यार्थियों को अब इस तरीके से पढ़ाई करनी बेहद जरूरी होगी, अन्यथा सभी विद्यार्थियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को इस बार सरकार की तरफ से जो बड़ी हिंट दी गई है, उसका विद्यार्थी फायदा उठाकर बहुत ही अच्छे प्राप्तांक हासिल कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में। आखिरकार 2024 का पेपर कैसा आने वाला है, इस बार बोर्ड परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे, इत्यादि अन्य प्रकार के सभी ताजा अपडेट इस वीडियो के अंतर्गत आपके अपने चैनल न्यू गवर्नमेंट सर्विस के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। तो उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। 10वीं बारी का बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा आएगा आप सभी को हम बता दें। दोस्तों क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व्ड को आप परचेस करें या खरीद लें, सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अनसॉल्व्ड को हल कराना चालू कर दें, क्योंकि 99% पेपर आप सभी का यहीं से आएगा। जी हाँ, वही जो स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, जो आप सभी हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं, प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, वही दोस्तों आप सभी जो प्रायोगिक परीक्षाओं में आप सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहां से भी बोर्ड परीक्षा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20% क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व्ड में भी है, अनसॉल्व्ड में सत्र 2014 से लेकर 2019 तक की आप सभी को तैयारी करनी होगी अगर आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे प्राप्त अंकों के साथ पास होना चाहते हैं तो। जी हाँ, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं 10वीं बारी की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उन सभी विद्यार्थियों को कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। जैसा कि विद्यार्थियों को यह जानने कि पेपर अब कम समय सीमा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों को सभी क्वेश्चनों को रियायत कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में दोस्तों सरकार इसी बेस पे सभी उच्च अधिकारियों से, उच्च शिक्षा अधिकारियों से दोस्तों बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए, विद्यार्थियों को कम समय सीमा में अच्छी तैयारी कराने के लिए क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व्ड को रेडी कराती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट तीन प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहां से बोर्ड परीक्षा 2024 का भी पेपर बनाया जा रहा है। दोस्तों यहां से बोर्ड परीक्षार्थी परीक्षाओं के सभी क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं और उनको पूरा पाठ्यक्रम भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, पूरा पाठ्यक्रम आप सभी को तैयार करना नहीं होगा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी देशवासियों के लिए, आप सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। आप सभी को इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि जितने भी 10वीं बार की बोर्ड परीक्षार्थी है उनको इस बार सबसे अच्छे अंकों के साथ पास किया जाएगा, क्योंकि इस बार आप सभी के लिए एक बड़ी नई चीज ऐड की गई है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखना होगा। जी हाँ, अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर लिख देते हैं, भले उस क्वेश्चन का आंसर ना भी मालूम हो, आप सभी को उससे मिलता जुलता उतनी शब्द सीमा में आंसर लिखते हैं, हाई स्कूल को हो या इंटर को हो, तो आप सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के पास होने की दूसरी बड़ी खुशखबरी कुछ इस प्रकार है, अगर कोई विद्यार्थी किसी इसके बावजूद भी किसी भी रीजन की वजह से अगर फेल हो जाता है, अगर वो 3 से 4 नंबरों तक की अगर फेल हो रहा होगा, तो दोस्तों आप सभी को जो कापियों का मूल्यांकन शिक्षक कर रहा होगा, जो कापियां जांच रहा होगा, चेक कर रहा होगा, वो शिक्षक अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हुई, वो 4-5 नंबरों तक अगर आप फेल हो रहे होंगे, मैक्सिमम 5 नंबर रखा गया है, तो आप सभी को वह शिक्षक आप लोगों को अपनी तरफ से नंबर बढ़ा के पास कर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने यह आदेश